हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप मोबाइल से वीपीएन एक्सेस कर सकते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करके कैसे आप ब्लॉग वेबसाइट और बैन किया गया वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है वीपीएन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे जो ब्लॉक और बैन वेबसाइट से कनेक्शन बनाता है, वो सेफ है या फिर नहीं, तो वो सब कुछ मैंने और एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकॉन में फ्लैश हो रहा है, जाके देख लीजिए। तो मैं पहले बताता हूँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का वे ही बताने वाला हूँ, बिकॉज कंप्यूटर में करना बहुत ही ईजी है। कंप्यूटर में बहुत सारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट उनमें से ज्यादातर फेक होता है और अनट्रस्टेड होता है। तो एक फेमस एप्लीकेशन जो है वो है टॉर ब्राउजर कंप्यूटर के लिए। अभी जो मोबाइल है इसमें आजकल का ज्यादातर मोबाइल में इनबिल्ट ऑप्शन होता है वीपीएन सेटअप करने का, तो उधर पे जाके कैसे वीपीएन सेटअप करना है वो बताऊंगा। और अगर कुछ मोबाइल में नहीं होता है वीपीएन का ऑप्शन इनबिल्ट, तो कैसे कौन सा एप्लीकेशन के थ्रू करना है वो भी गाइज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज देखते रहिए। तो मैं पहले और एक चीज बता देना चाहता हूँ, पहले फर्स्ट पोर्शन में मैं बताऊंगा जो मोबाइल के अंदर इनबिल्ट सेटिंग होता है वीपीएन का, उसमें कैसे सेटअप करना है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टैग दे दूंगा सेकेंड पार्ट कितना टाइम से शुरू हो रहा है। तो अगर आपके मोबाइल में सेटिंग्स में नहीं है ऑप्शन, तो आप सेकेंड पार्ट को देख लीजिए कैसे कौन सा ऐप के थ्रू करना है, और अगर सेटिंग्स में ऑप्शन है तो आप फर्स्ट पार्ट को ही देखते रहिए। तो गाइज मिलते हैं इंट्रो के बाद मोबाइल स्क्रीन में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद फ्रेंड्स, इधर पे अगर फर्स्ट पेज में वीपीएन का ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोगों को मोड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अभी गाइस इधर पे आप देख सकते हैं वीपीएन का ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऊपर जो सेटिंग्स का सर्च बॉक्स है इधर पे आप सर्च कर सकते हैं वीपीएन लिख के। तो अभी हम मोड में जाके वीपीएन को टर्न ऑन करते हैं। तो गाइस अभी नीचे एक पॉपअप आ रहा है सिलेक्ट वीपीएन, अभी हमारा कोई वीपीएन सिलेक्टेड नहीं है इसीलिए ये पॉपअप आ रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे जो ऑप्शन है ऐड वीपीएन प्रोफाइल, तो हमको ये ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी इधर पे हम लोगों को नेम डालना पड़ेगा। आप कोई भी रैंडम नेम डाल सकते हैं, मैं वीपीएन 1 करके डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी गाइस इधर पे एक ऑप्शन है टाइप, तो ये टाइप हम लोगों को सिलेक्ट करना है पीपीटीपी, बैक कीबोर्ड ऑफ, या पीपीटीपी पे ही रखना है और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। अभी गाइस इधर पे तीन बॉक्स आ रहा है, एक है सर्वर एड्रेस का, दूसरा है हमारा यूजर नेम का, और तीसरा है पासवर्ड का। तो ये हम कहाँ से लाएं, तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी गाइस एक वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा वीपीएन बुक नाम का। तो सबसे पहला वाला यूआरएल है www.vpnbook.com, तो हम लोगों को इसमें जाना पड़ेगा। तो ओपन हो चुका है, देख सकते हैं फ्री वीपीएन। तो इधर पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्री ओपन वीपीएन अकाउंट, इस ऑप्शन पे हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। अभी गाइस इधर पे लिखा दिखा रहा है फ्री पीपीटीपी वीपीएन $0 पर मंथ, तो गाइस ये फ्री है सो $0 पर मंथ दिखा रहा है। अभी गाइस इधर पे देख सकते हैं बहुत सारे यूआरएल दिया गया है, लिंक दिया गया है, वेबसाइट का नेम दिया गया है, और नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। तो इधर पे यूज़र नेम, पासवर्ड और सारा यूआरएल का नेम आप देख सकते हैं। तो ब्रैकेट में कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, जैसा कि USVPN ऑप्टिमाइज फॉर फर्स्ट वेब सर्फिंग, ये USVPN, ये कनाडा VPN, ये फ्रांस VPN। तो गाइस आप कोई भी कंट्री का VPN चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी USVPN को कॉपी कर लेता हूँ। अभी फिर से आपको सेटिंग्स में जाके VPN का जो इधर पे सर्वर एड्रेस है, इधर पे जाके हम लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। अभी गाइस यूज़र नेम क्या है, तो इधर से हम लोगों को यूज़र नेम भी कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी यूज़र नेम को पेस्ट करेंगे हम। अभी गाइस पासवर्ड क्या है गाइस, ये आप अगर गौर से देखते हैं तो देख सकते हैं ये पासवर्ड कोई प्रिंटेड नहीं है। मैं दिखाता हूँ, इधर पे एक इमेज डाला गया है ताकि
कोई अगर रोबोट ये काम करता है, इंसानों की जगह अगर कोई बॉट से ये काम कराना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो इतना इजीली कॉपी नहीं कर पाएगा। तो हम पासवर्ड देख लेते क्या है, 5BHEA6U। तो हम पासवर्ड को भी डालेंगे 5BHEA6U, 5BHEA6U। तो अभी हम ओके कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं VPN आ चुका है। अभी अगर हम VPN को एनेबल करते हैं तो कनेक्टिंग दिखा रहा है। गाइस कुछ कुछ केस में हो सकता है वो अनेबल टू कनेक्ट दिखा सकता है, कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो वो सर्वर का एड्रेस है वो चेंज कर देना पड़ेगा। तो हमारे केसेस में अभी कनेक्टेड हो गया है, देख सकते हैं VPN 1। अभी गाइस आपको कैसे पता चलेगा ये कनेक्टेड हो गया है एक्चुअली और नहीं? तो अगर आप नोटिफिकेशन एरिया को स्क्रॉल करते हैं तो गाइस आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम UI की तरफ से VPN एक्टिवेटेड। और गाइस इधर पे भी ऊपर पे एक लॉक आइकन, सॉरी लॉक नहीं, एक की का आइकन आएगा और इधर पे दिखाएगा डिवाइस कनेक्टेड टू VPN। फ्रेंड्स अभी हम एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है ऑडबॉट नाम का। तो आप गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाउनलोड लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑडफॉक्स प्रॉक्सी विथ टॉर। अभी हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो अभी मैं ओपन करूँगा। तो अभी आपको VPN मोड एनेबल करना है। तो इधर पे एक चीज दिखा रहा है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऑडबॉट्स वांट टू सेट अप अ VPN कनेक्शन दैट अलाउज इट टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, ओनली एक्सेप्ट इफ यू ट्रस्ट द सोर्स। तो हम ओके कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने ओके कर दिया है, तो VPN एनेबल हो चुका है VPN मोड। अभी गाइस इधर पे डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड सब कुछ दिखा रहा है। अभी गाइस इधर पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, फुल डिवाइस VPN नीचे दिखा रहा है या नहीं आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर फुल डिवाइस VPN है तो आप कोई भी जो भी ऐप, जो भी ब्राउजर, जो कुछ भी चलाते हैं तो वो VPN के थ्रू ही कनेक्ट होगा इंटरनेट से। अगर आप ये छोटा सा सेटिंग्स आइकन में जाते हैं तो अगर आप कुछ भी ऐप चूज करते हैं तो वो ऐप VPN के थ्रू कनेक्टेड नहीं होगा। अभी गाइस इधर पे और कुछ सुविधा है इसमें, कुछ स्पेशलिटी बेनिफिट्स है इसका। तो ये है इधर पे ये वाला ऑप्शन। तो इधर पे आप कोई भी कंट्री का VPN आप खुद से चूज कर सकते हैं। ये ग्लोबल है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट ले लेगा जो अच्छा वाला होगा उसके साथ। अभी गाइस अगर आप इधर पे जो रीलोड का आइकन है इधर पे क्लिक करते हैं तो यू हैव स्विच टू अ न्यू टॉर आइडेंटिटी, तो आपका VPN फिर से चेंज हो जाएगा। तो इससे आप बहुत ही इजीली बार बार VPN को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग सर्वर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस ऊपर में अभी भी देख सकते हैं इधर पे आ रहा है डिवाइस कनेक्टेड टू ऑरबॉट, ये लॉक का साइन आ रहा है, लॉक नहीं की का साइन आ रहा है। तो गाइस अगर ये की का साइन आता है तभी आप श्योर हो जाइए कि आपका ये VPN से कनेक्टेड है। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो डिवाइस का खुद का जो VPN ऑप्शन है उससे ये जो ऑरबॉट से करना बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें ऑनियन राउटिंग यूज होता है तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी और भी बढ़ जाता है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई थिंक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अभी गाइज आप ये VPN एनेबल करके कोई भी ब्लॉक और बैंड साइट को एक्सेस कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं आपका फुल प्राइवेसी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज,